नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरा नाम है प्रिया और अपने चैनल पर मैं बहुत ही सिंपल मेकअप लुक्स क्रिएट करती हूँ, एज वेल एज ईजी हेयर स्टाइल्स, हेयर स्टाइल हैक्स ऑन अ बैड हेयर डे, इस तरह की वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं। सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट माय वीडियोस ऑन माय चैनल। इस लुक के लिए मैंने सिर्फ एक ही आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, ये NYX का आई शेडो पैलेट है जो कि मैंने US में एक ड्रग स्टोर से लिया है, पर आप कोई भी आई शेडो पैलेट का यूज़ कर सकती हैं। एंड जैसे कि आप देख रही हैं, ये एक बहुत ही सिंपल क्विक मेकअप लुक है, अ फन मेकअप लुक व्हेन यू वांट टू हैव सम कलर्स इन योर आईज। एंड मैंने इस लुक के लिए सिर्फ दो मेकअप ब्रशेस यूज़ किए हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए आइए, लेट्स गो टू द ट्यूटोरियल पार्ट। सो मैंने NYX का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है और मैं एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश लगा के येलो शेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं अपने क्रीज पे लगा रही हूँ। क्रीज से थोड़ा ऊंचा भी ले सकते हैं आप, ताकि एक डायमेंशन क्रिएट हो, और उसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं आर्च क्रिएट करने के लिए। एंड अगेन आप एक्स्ट्रा कलर ले सकते हैं थोड़ा और डेंसिटी के लिए। फिर मैंने उससे थोड़ा कम फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करके ऑरेंज शेड यूज़ किया है और उसको मैं सिर्फ क्रीज पे लगा रही हूँ, ताकि दोनों येलो और ऑरेंज कलर नज़र आए। लास्ट में मैंने अपने फिंगर से पिंक शेड लेके अपनी लिड पे लगा लिया है और उसके बाद मैंने वो ब्रश यूज़ करके सब चीज़ को ब्लेंड कर लिया है, ताकि एवरीथिंग शुड लुक सीमलेस। अगेन दूसरी आंखों में भी आप वो येलो शेड यूज़ कर रही हैं, एंड अगेन यू कैन सी मैंने उसको बाहर की तरफ लिया है। एंड फिर मैंने ऑरेंज शेड क्रीज पे लगा दिया है, अगेन पेइंग अटेंशन टू द आउटवर्ड एजेस। और लास्ट में पिंक शेड लिड पे लगा लिया है और ब्लेंड कर दिया है। फिर आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकती हैं, जेल या लिक्विड, और आप एक आईलाइनर बना सकती हैं। बाद में मैंने वाटर लाइन पे एक काजल लगा लिया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट जस्ट अ लिटिल बिट ब्लैक। और फिर वही सेम पिंक और ऑरेंज यूज़ करके मैंने नीचे लगा लिया है। एंड लास्ट यू कैन फिनिश ऑफ विथ मस्कारा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगली बार जब आप बाहर जाएं और अगर आप ये लुक क्रिएट करें तो डेफिनेटली टैग मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखे कि कैसे आप पे ये मेकअप लुक लग रहा है। इसके अलावा डू लीव अ कमेंट्स बिलो ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो, या आपको कोई इम्प्रूवमेंट हो या कोई और टॉपिक्स जो आपको देखने हो तो डेफिनेटली लीव अ कमेंट्स। एंड मैं ये वीडियो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगी कि मैंने अपने आप को शीशे में देखकर ये कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि शायद दूसरों को खुश करते करते मैंने अपने आप को ही दर्द दिया है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, एंड आई थिंक इट्स सेड बाय गुलजार दैट आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ नॉट खुदगर्जी, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगी तो आप हर किसी से प्यार कर सकती हैं। सो यस, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, कीप लविंग योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बट डू गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो। आप डेफिनेटली मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहती हैं। एंड यस, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल। Thank you.